बिछड़ी के ताल स्टेडियम में महिला कांग्रेस मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जनप चंदेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान बरसर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान जिला कांग्रेस महिला अध्यक्ष राकेश रानी और बरसर ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी व सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने बताया कि महिलाओं का मान सम्मान कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। चंदेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की 5 महिलाएं अध्यक्ष रही है। देश में पहली मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई है। कुछ तो किया नहीं है भाजपा ने, 5 साल कोई कार्य तो किए नहीं है। आज अगर इन्होंने कार्य किए होते तो ये आज हमारे ऊपर उंगलियां नहीं उठाते। और आपने देखा होगा पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी विकास के कार्य हुए हैं वो स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने किए हैं। आपने देखा होगा अभी ये क्या कर रहे हैं, जितने भी कार्य कांग्रेस सरकार में जिनका शुरुआत हुई थी, जो शुरुआत कांग्रेस ने की थी, उनके उद्घाटन कर रहे हैं। अगर काम किया होता इन्होंने, इनकी बौखलाहट देखिए कि जहाँ पर स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की पट्टिकाएँ लगी हुई थी उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको हटाने का काम कर रहे हैं। अगर काम किया होता तो क्या ये नौबत आती? नहीं आती ना। है कांग्रेस के हर काम पे ये उंगली उठा रहे हैं। सत्ता में आप हो, जवाबदेही आपकी बनती है, आपसे पूछा जाएगा। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आपसे पूछा जाएगा आपने क्या किया, जो आपने वादे किए। बेरोजगारी कम की, 2 करोड़ लोगों को आपने नौकरी देने का वादा किया, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार। आप देख रहे हैं आज जो खाद्यान्न पदार्थ है उनके दाम आसमान को छू रहे हैं। 55 रुपए की दाल थी, आज 150 रुपए की दाल है, मैं अब कम होंगे तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। सिलेंडर के दाम देख लीजिए आप, है इनके बड़ी बड़ी नेत्रियाँ, 450 रुपए का जब सिलेंडर था, सिर पे सिलेंडर रख के गले में आलू प्याज की माला डाल के सड़कों पर आती थी, आज जब 1155 रुपए का सिलेंडर है तो आज उनकी आवाज़ बंद हो गई है। आज उनको महिलाओं का दुख दर्द नहीं दिखाई देता है। और महिला सुरक्षा की जहां बात है, आप देख रहे हैं ना केवल हिमाचल प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में महिलाओं की जो सुरक्षा है वो फेल हो चुकी। ने खुद ही कहा कि चुनाव की वेला है और आप देख रहे हैं इस पंडाल में महिलाओं में कितना जोश है, कांग्रेस के प्रति कितना आकर्षण है, कांग्रेस की नीतियों में महिलाओं ने विश्वास जताया है। यही कारण है कि जहां पर भी महिला कांग्रेस के सम्मेलन हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन हो रहे हैं, वहां पर महिलाओं की जो तादाद है वो अधिक है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा से महिलाओं का मान सम्मान किया है, महिलाओं को उचित आदर दिया है। और यही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में 5-5 महिलाएं जो हैं मेन कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि देश में पहली मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, पहली राज्यपाल, पहली देश की प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रपति, पहली लोकसभा की स्पीकर, तो महिलाओं को हमेशा से कांग्रेस आगे ले जाने का काम करती रही है। और महिलाओं को जो जिम्मेदारी मिली है उसे महिलाओं ने बखूबी निभाया है। उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्हें लो महिला के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान पर आक्रमण करके एक नए देश का निर्माण किया, बांग्लादेश। पूरे विश्व में, ना केवल भारत की बात है, पूरे विश्व में ऐसा उदाहरण आपको देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए महिला कांग्रेस की एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व है। 74वां अमेंडमेंट पंचायती राज में जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था, आज उसी का परिणाम है कि पूरे देश में लाखों महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में चुनकर आई है। बाद में पहले 33% किया, बाद में 50% किया, आज मुझे लगता है कि 70% तक महिलाएं जो है पंचायती राज में चुन के आई है। और जो योग्य महिलाएं हैं उनको ज़रूर मौका मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को मौका दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिला कांग्रेस और हमारे जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोग हैं उनके सौजन्य से यहाँ पर एक विशाल महिला सम्मेलन यहाँ आयोजित किया जा रहा है। और इसका मुख्य मकसद जो है वो नारी को सम्मान देना, और जैसे जैसे हमारी महिलाओं ने देश की उन्नति में और प्रदेश की उन्नति में अपनी भागीदारी बढ़ाई है उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें जो मुख्य बिंदु यही रहेंगे कि जो महिलाओं को कब से लेके उनके अधिकार मिलने शुरू हुए और कब तक जो उन्होंने अपना संघर्ष किया और संघर्ष के साथ उन्होंने समाज के का जो सर्वांगीण विकास किया है उसके लिए जो है हम ये महिला सम्मेलन करने जा रहे हैं। और जो उपेक्षा रही है वर्तमान सरकार की हो चाहे केंद्र की हो प्रदेश की हो, महिलाओं के हकों के बारे में हमेशा जो है उन्होंने निराश ही किया। केवल मात्र एक व्यक्ति जो हर्ष महाजन जी वो गए हैं, बाकी जो सुरेश चंदेल की आप बात करें, पवन काजल की बात करें, लखविंदर राणा की बात करें, वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के थे, वो डेपुटेशन पे हमारे पास आए थे, अब डेपुटेशन पे बीजेपी में चले गए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार बोलते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हुआ, बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है, क्योंकि उनके MP भी कांग्रेस खरीद रही है, उनके विधायक भी बीजेपी के लोग खरीद रहे हैं, तो बीजेपी का अपना कैडर का क्या हुआ? जो वो कैडर बेस्ड पार्टी अपने को बोलती है, क्या उनके बाद नेता नहीं है जो बरसों से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने बताया कि कांग्रेस की कांग्रेस पार्टी से जो नेताओं को ले महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सम्मान प्रदान करना है। लखनपाल ने कहा कि महिलाओं ने देश और प्रदेश की प्रगति के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी द्वारा महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। केवल मात्र दो बंदों के बीच में, एक अमित शाह और एक नरेंद्र मोदी जी, जो वो बोलते हैं वही होता है, बाकी किसी की अपनी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैं सोचता हूँ। विरोध करती थी वो आधार कार्ड को लेकर विरोध करती थी, वो FDI को लेकर विरोध करती थी, महंगाई को लेकर विरोध करती थी, गैस की कीमतों की बढ़ने पर विरोध करती थी। आज उनका विरोध कहाँ गया? क्यों नहीं बोलती हैं वो मोदी जी को कि आप सिलेंडर जो है 400 से 500 रुपये के बीच में करो? क्यों नहीं करते हैं वो लोग? क्या कारण है? क्यों नहीं बोलती हैं वो महिलाएं? आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन बड़ी बातों करने से क्या होगा? पूरा देश तो उन्होंने बेच दिया। जो हमारे सारे संस्थान थे जहां पर नौकरियों की एक इच्छा रहती थी, वहां पर बच्चों को बड़े समय से, उसमें इन्होंने कुठाराघात किया, सारी इन्होंने निजी क्षेत्र में दे दिया। तो ये लोग जो हैं ये ठेकेदार लोग हैं, ये कोई राजनीतिज्ञ लोग नहीं है, ना सामाजिक लोग हैं।